कुछ अमेजिंग न्यू लुक। और सबसे पहले पहले मैं थैंक यू अभिषेक भाई को बोलूंगा जिन्होंने इतना अमेजिंग लुक दिया। हाय दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए व्लॉग के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी मॉर्निंग की शुरुआत पान टपरी से हो रही है। मैं जिस पान टपरी पे आया हूँ वहाँ एक चाचा है, बहुत कमाल का पान बनाते हैं। पान बनाते बनाते उनकी उंगलियाँ पूरी घस गई है, आप दिखाओ। तो मैं चाचा को ज्यादा तकलीफ नहीं देता हूँ, मैं पीऊंगा रेडबुल, क्योंकि पान बनाएंगे तो इनकी उंगलियां घस जाएगी, तो मुझे इनकी उंगलियों की फिक्र है। मेरे पास बहुत से प्रकार के पान है, टनाटन पान, बहुत खतरनाक पान बनाते हैं। और मेरी चीजें तो आ गई है जो मैं पीता हूँ रेडबुल। जितनी तेजी से अंदर गया उतनी तेजी से बाहर गैस भी निकला, तो रेडबुल पीने का तो मजा आ गया। अब चलते हैं ऑफिस पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और फाइनली गाइज मैं ऑफिस पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हो चुके हैं 12 और मैं अभी तक न नहाया हूँ न ब्रश किया हूँ। डायरेक्ट मैं उठा, भाग भाग के आया, सिर्फ एक चीज के लिए इतना तेज भागा मैं, वो देख सकते हो, वो है मेरी पढ़ाई। और गाइज बहुत लोगों को मालूम नहीं है मेरी पढ़ाई क्या चालू है, तो मैं अभी LLB सेकेंड ईयर में हूँ, जिसकी वजह से मुझे अभी असाइनमेंट कम्प्लीट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो मार्च का मंथ चल रहा है, तो पेपर और असाइनमेंट का डेट चालू है, तो मैंने अभी तक कंप्लीट किया नहीं है कुछ भी असाइनमेंट, तो मैं असाइनमेंट फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो मेरी लुक, देख रहे हो बाल इतने बड़े बड़े हो गए हैं, बियर्ड भी बड़े बड़े हो गए। कट कराने के लिए जाना पड़ेगा और मैंने घर से ही अपॉइंटमेंट बुक कर दिया हूँ, तो मैं जाने वाला हूँ वर्सोवा बाल कटाने जा रहा हूँ। तो अभी फटाफट लिख लेता हूँ, 4 बजे का अपॉइंटमेंट है। अभी टाइम आप देख सकते हो कितना बज रहा है। लिखते लिखते मेरा हाथ दुखने लगा, तो मैंने बोला एलेक्सा कंटिन्यू, एलेक्सा कंटिन्यू। नहीं जाता एलेक्सा चुप, देखो एलेक्सा चुप हो गया। फाइनली गाइज आप देख सकते हैं हमारा असाइनमेंट हो चुका है कंप्लीट। तो अभी पिंकेश और सचिन अभी तक ऑफिस पे आए नहीं है, 2 बज चुका है गाइज, इसके आगे किसी की नहीं चलती है, तो अभी मैंने कैब बुक कर दिया है। अगर पिंकेश और सचिन अगर आ गए तो उनकी नसीब, नहीं तो मैं उनको छोड़ दूंगा। और गाइज आप देख सकते हो कैब हो चुकी है बुक, आप देख सकते हो अभी आने वाली कैब 7 मिनट के अंदर आ जाएगी। अगर उनकी नसीब अच्छी रहेगी तो उन लोग जा पाएंगे, उनकी नसीब अच्छी नहीं रहेगी तो मैं उनको छोड़ दूंगा, क्योंकि 4 बजे का भी अपॉइंटमेंट है। और गाइज मैं खुद आप देख सकते हो मैं नहाया नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे टाइम का मैं बहुत पंचुअल हूँ, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है, मैं फटाफट निकलता हूँ मैं गाइज। आज मैंने सोचा कि व्लॉग बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करूंगा, वो तो कर ही रहा हूँ, बट पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है गाइज, बहुत मतलब बहुत जरूरी है। बस भाई बस 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 बस। फाइनली गाइस आप देख सकते हो मेरी ब्रांड न्यू कार आ चुकी है, और ये देखो चाचा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें स्पीकर है कि नहीं? स्पीकर है ना, अगर स्पीकर नहीं होता था ना मैं आपको OTP नहीं देता था, लेकिन तो भी अगर स्पीकर रहता तो भी देता था, नहीं रहता तो भी देता था, गाना गाते गाते मैं चलता था। और फाइनली देखो पिंकेश भी आ चुका है, तो पिंकेश अगर 1 मिनट लेट आता था ना 1 मिनट, तो तेरे को पैदल वर्सोवा आना पड़ता था, पैदल। इसलिए मैं जल्दी आता हूँ। चलो, चलो, और चलो, अरे आप इतने स्मार्ट क्यों दिख रहे हो, बाल बिल कटा लिए भाई, स्मार्ट दिखना पड़ता है, संडे मतलब फुल फंडे। तो यार वर्सोवा में बाल कटाते थे ना मेरे साथ में, यार मेरा क्या हेयर कटिंग है ना दूसरा है। चलो ठीक है ठीक है। और सचिन, सचिन आ रहा है, सचिन शायद से बैग में रहेगा, खोल चैन खोल। और गाइज हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, बट हमारे बीच एक बंदा मिसिंग है, इसका नाम है सचिन जायसवाल। आ गया है सचिन, टाटा का बेटा आ गया, टाटा का बेटा, टाटा में काम करता है सचिन, टाटा का बेटा आ गया है। देखो कितना लेट लटीफ, कब बोला था कब आया भाई, संडे भाई तेरे घर में तो गाड़ी नहीं घुसा सकता था अभी, इससे जितना ज्यादा हुआ मैंने किया। नहीं नहीं थैंक यू भाई आप आने के लिए सही में, लेकिन मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे सॉरी चाहिए भाई, भाई लेट हो गया मुझे, 1.5 घंटा आपने लेट करा है, 1.5 घंटा। थोड़ा घर का काम था भाई, इसके लिए घर का काम भाई सबको रहता है यार, किधर जाना का है भाई, लेकिन आज भाई आप टाटा का बेटे हो ना, टाटा टाटा जाना का है भाई, और ये अंबानी गाड़ी चला रहे और हम कस्टमर चल रहे। और सचिन तेरे को मालूम है चौंकाने वाली बात क्या बताओ, क्या अविनाश भाई ने
कार में ही कपड़े चेंज कर लिया है, ये देखो अविनाश भाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, कैसे क्या ब्लॉग चालू है, टाइम की कीमत है। कार में कपड़ा कैसे चेंज किया भाई? भाई सिर्फ शर्ट निकाला, ये सर बता देंगे सर मैंने चेंज किया कि नहीं। और सर ये बोल रहे हैं कि आज तक आपकी गाड़ी में किसी ने कपड़े चेंज किए क्या? तो अविनाश भाई पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने कार में कपड़े चेंज किया, तो इन्हें कपड़े का अवार्ड मिला जाए। और गाइज आप देख सकते हो अभी 3 बज चुका है और इतना ट्रैफिक में अटके पड़े। और गाइज जब से सीएनजी गाड़ी आई है तब से तो डिमांड इतना बढ़ गया है, आप देख सकते हो इतनी भीड़ रहती है कि बोल नहीं सकते। देखो लाइन ये मतलब कितने रुपए में कितना चक्कर मारती है वो बताओगे नहीं ना? अगर वो काका बता देंगे ना तो मैं गाड़ी ले लूंगा, तो मैं कैब बुक नहीं कर पाऊंगा। काका स्मार्ट है। पिंके 100 रुपए में बाल देखो कैसा कटाया मैंने, 100 रुपए में बाल कटाया, दाढ़ी बनाया और बाजू का भी नहीं। सुनो और चाय भी पिलाया, मस्त मसाज भी किया। 100 रुपए में क्या चाहिए, क्या चाहिए? 4000 और 4000 में हम इधर कैब से जा रहे हैं मस्त उधर बाल कटाने के लिए, देखते हैं क्या होता है। 4000 क्या है भाई? अरे भाई वो तो मैं बोलना ही भूल गया, जीएसटी भी लेते 18% जीएसटी मतलब 5000। ये फॉर्मल के ऊपर ऐसे कौन पहनता है भाई? भाई की ड्रेसिंग पे मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बोल भाई। भाई को टाइम नहीं मिला तो ऊपर का टी शर्ट चेंज कर लिए शर्ट। लेकिन ऐसे फॉर्मल पे भाई टी शर्ट कौन पहनता है एक बात बता मुझे? भाई ये स्टाइल है। ये कौन सा स्टाइल है भाई? यूनिक। ये कौन सा स्टाइल है? सही बात, सचिन ने सही बोला। ये कौन सा स्टाइल है? अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। Proud to be Indian, भारत माता की। ये हमारी मुंबई पूरा डायग्राम बना दिया यार, कितना मस्त लग रहा है ना, बहुत प्यार लग रहा है। क्या देना चाहिए? वाओ, एक नंबर, किला विला सब बना दिया मुंबई गेट। मतलब जिसको घूमना रहेगा ना वो इधर ही खाली देखते देखते घूमे आ रहे, इधर कपड़ा पड़ा है रे यार, कपड़ा पड़ा रख दिए यार, पूरा कपड़ा, इतना अच्छा चित्र देख रहा था, कपड़ा पड़ा रख दिया उधर। इस हवा के झोंके ने बिल्डिंग को टेढ़ा कर दिया है, तो इस साइड भी थोड़ा हवा चलाओ तो ये बिल्डिंग सीधा हो जाएगा। और गाइज आप देख सकते हो अभी 4:16 हो गया है और अभी तक हम पहुंचे नहीं है। गाइज आप देख सकते हो हम गलत लोकेशन पे आ गए क्योंकि मैप मैंने ध्यान नहीं दिया घाई घाई में, और अभी हमको जाना पड़ेगा 15 मिनट बता रहा है और 4 किलोमीटर। सचिन कैसे चलेगा तू? ऑटो पैदल नहीं चलना है भाई, तो एक काम करते हम रिक्शा लेते और फिर आगे हम मिलते। तो गाइज हमें भूख लगी थी और आप देख सकते हो कि हमारा नाश्ता कितने बजे हो रहा है भाई? भाई 4 से 5 बजे हो रहा है, 5 बजे 4-5 के बीच में हो रहा है, बहुत भूख लगा है। मैं तो मेरा मन कह रहा है कि कच्चा अंडा खा जाऊं। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात पता चली, भाई हमसे 12 रुपए ले रहे एक ऑमलेट का। 12 नहीं 13। क्या 13? हाँ। अरे यार 1 रुपया जीएसटी, चलो ठीक है। तो भाई 13 रुपए ले रहे और इतना अच्छा प्यारा ऑमलेट बना रहे कांदा बिंदा डाल के। तो गाइस मुझे बहुत पसंद आया, मैंने बोला इनको कि वापस एक और बना दो। अविनाश भाई ये पन्नी में क्या लेके आए हो? भाई पन्नी में है जीरा सोडा, ये आपके लिए। थैंक यू भाई। और ये मेरे लिए। ओके ब्रो। और पानी भी तो लगेगा ना? अरे पहले पानी भाई। फाइनली गाइज हमें रिक्शा मिल चुकी है और यहाँ से 4 किलोमीटर है और 15 मिनट्स का ड्यूरेशन है, तो देखते हैं हम कब तक पहुँचेंगे। पिंकेश कुछ कहना चाहता है, पिंकेश बोलो। ओ मेरे रिक्शे में मुंबई में आओ तुम, रिक्शे में घूमो। ओ मेरे रिक्शे में मेरा बाजू वाला भाई मुझे देखता है, मैं रैप करता हूं। गली गैंग कुछ गैंग, यो ऑटो गैंग। गाइस आप लोग इनका तो रैप सुन के मुंबई नहीं आने वाले हो, तो गाइस जस्ट स्किप। हमारे यादव जी है, इस ऑटो में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग बैठे है। पोज देता हूँ मैं बाबा, बड़े आदमी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग इधर बैठे बॉलीवुड के। तो एक बार वापस पूछ देता हूँ, क्या बोलते सचिन? पहले चाचा से पूछ कौन बैठा है, कौन कौन बैठे हैं इधर? अरे बड़े बड़े हीरोइन भी बैठ जाती है, आती हैं सब लोग। अच्छा हीरोइन भी जाती है? सही है। और फाइनली गाइज हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं बाल कटाने।
Storybox Audio. और फाइनली गाइज अभी मेरा हेयर कटिंग हो रहा है, हेयर कटिंग होने के बाद हम मिलते हैं। जल्दी मेरा न्यू लुक आने वाला है, तब तक मैं कॉफी पी लूं और ये शुगर डाल दो इसमें। और फाइनली आप देख सकते हो मेरा कुछ अमेजिंग न्यू लुक। और सबसे पहले पहले मैं थैंक यू अभिषेक भाई को बोलूंगा जिन्होंने इतना अमेजिंग लुक दिया, थैंक यू सो मच भाई। और कमेंट करो गाइस कैसा दिख रहा हूँ मैं, न्यू लुक कैसा लग रहा है। तो अभी हम कैब बुक करेंगे। सचिन कैब बुक किया क्या? फटाफट बुक करो यार, चलना है अपने को। तो फाइनली हमारी कैब आ चुकी है और अविनाश भाई का हेयर कटिंग देख सकते हो आप लोग। बाय 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 बाय। और जब हमारे बाल फिर ग्रो हो जाएंगे तो वापस हम आएंगे इधर। गाइस आप देख सकते हो अभी भी ट्रैफिक है, मुंबई मेरी जान। आ चुके हैं कल्याण में, बहुत थक गए थे तो अभी चाय पीने के बाद थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा क्योंकि ट्रैफिक में ना हम थक गए थे। तो मैंने बिग बॉस में देखा था ये चेयर, इधर क्या कर रहा है कल्याण? आ गया बिग बॉस से ही लेकर आया। कुछ नहीं भाई, ₹10 में क्या होता है यार, ₹10 में क्या होता है, दोस्ती बढ़ती है और प्यार बढ़ता है। तो ₹10 कुछ नहीं है, प्यार बढ़े। और फाइनली गाइस हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और भाई ने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है और आप लोगों को आए हो बहुत मजा आया रहेगा। तो इसी मजे मस्ती के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दबा दो और कमेंट भी कर दो, कमेंट पढ़ेंगे।